सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी दिल्ली की टीम की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2020 का एक और रोमांचक व हाई स्कोरिंग मुकाबला खेला गया आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच में दुबई के मैदान में। दोस्तों इस मुकाबले को लेकर सभी में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि इस मुकाबले में लड़ाई थी पॉइंट टेबल में नंबर एक की कुर्सी पाने की। और आपको बता दें कि इस मुकाबले की शुरुआत में टॉस जीता आरसीबी की टीम के कप्तान विराट कोहली ने, जिन्होंने एक बार फिर से आईपीएल के ट्रेंड को फॉलो किया और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। लेकिन लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपनी सभी प्रिपरेशंस करके आई है क्योंकि मैदान में आज उनकी शुरुआत तूफानी बल्लेबाजी से हुई। दोस्तों दिल्ली की टीम को यह धमाकेदार शुरुआत दिलाई टीम की सलामी जोड़ी ने, यानी कि शिखर धवन और पृथ्वी शॉ ने। अब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैदान में उतरते ही दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए पावर प्ले में 63 रन जोड़ दिए थे। और दोस्तों आईपीएल 2020 के टूर्नामेंट में किसी भी टीम द्वारा अब तक पावर प्ले में लगाए गए यह सबसे ज्यादा रन भी हैं। खैर इसके बाद टीम को पहला झटका लगा पृथ्वी शॉ के रूप में। दोस्तों पृथ्वी ने अपनी पारी में 42 रन लगाए थे और उनका साथ दिया था शिखर धवन ने, जिनका विकेट गिरा 32 रनों पर। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर आज टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाई, लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर कुछ खास नहीं कर पाए, 11 रन पर वह आउट हो चुके थे। परंतु फिर मैदान में तूफान देखने को मिला आज ऋषभ पंत की बल्लेबाजी का और साथ ही मार्कस स्टोइनिस के अनुभव का। दोस्तों ऋषभ पंत ने जहां 25 गेंदों का सामना करके 37 रन जड़े तो वहीं मार्कस स्टोइनिस ने तो अर्धशतकीय पारी खेली। मात्र 23 गेंदों का सामना करके स्टोइनिस अपने अर्धशतक तक पहुंच गए थे। उसके बाद मैदान में अंत तक आज वह बल्लेबाजी करते रहे। अपनी टीम के लिए नाबाद रहते हुए स्टोइनिस ने 26 गेंदों का सामना करके 53 रन जड़ दिए थे। दोस्तों ऋषभ पंत भी फॉर्म में थे और अंतिम पलों में जब उन्हें स्टोइनिस का साथ मिला तो इस तूफानी बल्लेबाजी के चलते ही आज दिल्ली की टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 196 तक पहुंच गया था। और साथ ही दोस्तों दुबई जैसे बड़े मैदान में अगर दिल्ली की टीम ने 196 रन बनाए मतलब कि उनकी बल्लेबाजी में दम था। पर दोस्तों आरसीबी की टीम को लक्ष्य मिला 197 रनों का, जिसे हासिल करना उतना आसान तो नहीं था। प्रेशर में बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम की शुरुआत आज काफी ज्यादा खराब रही। आरसीबी की टीम को पहला झटका लग चुका था पारी के तीसरे ओवर में। दोस्तों आरसीबी की टीम के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल मात्र 4 रनों पर आउट हुए, उनका विकेट लिया रविचंद्र अश्विन ने। साथ ही एरन फिंच का विकेट भी अगले ही ओवर में 13 रन पर गिर चुका था, मतलब कि आरसीबी की टीम का टॉप ऑर्डर बुरी तरीके से फ्लॉप रहा। इसके बाद मिडिल ऑर्डर में आज विराट कोहली क्रीज के एक छोर से धमाकेदार बल्लेबाजी करके सरूर टीम के बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाल रहे थे, परंतु दूसरे छोर से उन्हें कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं मिला जो उनके साथ रन लगा सके। दोस्तों विराट कोहली की पारी के दौरान ही डिविलियर्स 9 रन, मोइन अली 11 रन तो वहीं वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी 17 रन बनाकर आउट हो चुके थे। लेकिन दोस्तों आरसीबी की टीम को सबसे बड़ा झटका लगा पारी के 14वें ओवर में, जब रबाडा ने विराट कोहली का विकेट टीम को दिलवाया। ऋषभ पंत ने उनका आसान सा कैच पकड़ा और विराट कोहली की पारी 43 रनों पर समाप्त हो गई थी। दोस्तों कोहली के आउट होते ही आरसीबी की टीम का हारना निश्चित हो चुका था। 24 गेंद में जीतने के लिए अब आरसीबी की टीम को 82 रन चाहिए थे, जो कि अपने आप में ही नामुमकिन सा लगता है। और दोस्तों फिर देखते ही देखते आरसीबी की टीम इस मुकाबले में हारती हुई चली गई और दिल्ली की टीम ने इस मुकाबले को एक बड़े अंतर से जीत कर अपने नाम कर लिया। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की टीम इस मुकाबले को जीतने के साथ ही एक बार फिर से पॉइंट टेबल में नंबर एक की रैंकिंग पर आ चुकी है। और दिल्ली की टीम की इस जीत में पूरा श्रेय जाता है स्टोइनिस, ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ की बल्लेबाजी व कगिसो रबाडा की तूफानी गेंदबाजी को भी। और दोस्तों अपनी इस एक और जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने सबको बता दिया है कि वह इस बार के टूर्नामेंट को जीतने का दम रखती है। लेकिन दोस्तों दिल्ली की टीम की इतनी खतरनाक बल्लेबाजी और गेंदबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों दिल्ली की टीम की तरफ से आज सलामी जोड़ी के बल्लेबाज शिखर धवन व पृथ्वी शॉ ने मैदान में आते ही तूफानी बल्लेबाजी शुरू कर दी थी और बल्लेबाजी भी ऐसी के विराट कोहली से लेकर आरसीबी की टीम के गेंदबाजों के पसीने ही छूट गए। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पावर प्ले के 6 ओवर में ही अपनी टीम के लिए 63 रन से ज्यादा जोड़ दिए थे। साथ ही आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि साल 2020 के आईपीएल के सीजन में पावर प्ले में लगाया गया 2 खिलाड़ी द्वारा यह सबसे बड़ा स्कोर है। हालांकि दोस्तों फिर आगे चलकर टीम को पहला झटका लगा पृथ्वी शॉ के रूप में, जो कि 42 रन बनाकर आउट हो चुके थे। इसके बाद शिखर धवन भी 32 रन बनाकर उड़ाना का शिकार हो गए। साथ ही आपको बता दें कि आज मैदान पर तो श्रेयस अय्यर का जादू भी नहीं दिखा। पिछले मुकाबले में 88 रन जड़ने वाले श्रेयस अय्यर इस बार मात्र 11 रनों पर आउट हुए। आपको बता दें कि पारी के 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल ने उनका बेहद ही शानदार कैच पकड़ के उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन दोस्तों फिर मैदान में बल्लेबाजी के मोर्चे को संभालने आ चुके थे
ऋषभ पंत और मार्कस स्टोइनिस। और दोस्तों एक बार फिर से आज मैदान में मार्कस स्टोइनिस का तूफान सबको देखने को मिला। दोस्तों आप सभी को अगर याद हो तो पंजाब की टीम के खिलाफ इस सीजन के दूसरे मुकाबले में मार्कस स्टोइनिस ने 21 गेंदों में 53 रन जड़े थे और कुछ आज ऐसा ही स्टोइनिस ने फिर से करके दिखाया। 21 गेंदों का सामना करके 5 चौके व 2 छक्कों की मदद से 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए स्टोइनिस ने 40 रन जड़ दिए थे और ऋषभ पंत भी कहां पीछे रहने वाले थे, 18 गेंदों में उनका स्कोर भी 25 तक पहुंच चुका था। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में तबाही मचा रखी थी और पारी के 18वें ओवर तक टीम के स्कोर को 163 तक भी पहुँचा दिया। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि टीम का स्कोर 200 तक तो चला ही जाएगा। और अब पारी के 19वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े थे बल्लेबाज ऋषभ पंत। इस ओवर की पहली गेंद मोहम्मद सिराज ने एक नो बॉल डाली, लेकिन ऋषभ पंत तो जैसे कि इस गेंद को खेलने के लिए तैयार थे। दोस्तों एक स्वीप शॉट खेलते हुए ऋषभ पंत ने इसे छक्के पर पहुंचा दिया। ऋषभ पंत का छक्का देखकर सब हैरान थे। हालांकि फिर इसी ओवर में आगे चलकर ऋषभ पंत की पारी समाप्त हो गई। 25 गेंदों में ऋषभ पंत ने 37 रन जड़े थे, वह क्लीन बोल्ड हो चुके थे, लेकिन मैदान में स्टोइनिस का तूफान थमा नहीं था। आपको बता दें कि पंत की विकेट का बदला स्टोइनिस ने एक शानदार चौका जड़ कर लिया और उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। दोस्तों आपको बता दें कि अपने अर्धशतक जड़ने में स्टोइनिस ने मात्र 23 गेंदों का ही सहारा लिया। इसके बाद पारी के अंतिम ओवर में शेटमायर ने एक शानदार छक्का भी जड़ा था। अंतिम ओवर्स में ज्यादा रन तो नहीं मिले दिल्ली की टीम को, लेकिन इसका टोटल 196 रन तक पहुंच गया, जो कि दुबई के मैदान में काबिले तारीफ है। और कुछ इसी तरीके से आज पृथ्वी शॉ की 42, ऋषभ पंत की 37 तो वहीं स्टोइनिस की 53 रनों की पारी ने दिल्ली की टीम को 96 तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत और सभी खिलाड़ियों की धुआंधार बल्लेबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिए। दोस्तों आईपीएल 2020 के टूर्नामेंट में पंजाब की टीम को 10 विकेट के बड़े अंतर से हराकर जैसे कि चेन्नई की टीम ने तो इतिहास ही रच दिया है। आपको बता दें कि अपने पिछले लगातार 3 मुकाबले हार रही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पंजाब की टीम के खिलाफ 10 विकेट से जीत दर्ज करी है। दोस्तों यह अपने आप में एक जोरदार कमबैक है। जो चेन्नई की टीम स्ट्रगल कर रही थी 160 के अराउंड लक्ष्य को भी चेस करने का, अब उसी टीम ने पंजाब जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 179 रनों के लक्ष्य को चेस कर लिया है और चेन्नई की टीम ने यह चेस भी 10 विकेट के अंतर किया है। आपको बता दें कि इस जीत के असली हीरो हैं फाफ डुप्लेसिस व शेन वॉटसन। दोस्तों अगर मुकाबले की हाइलाइट्स पर शुरू से नजर डाली जाए तो आपको बता दें कि टॉस जीतकर केएल राहुल ने अपनी टीम के लिए पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। बल्लेबाजी में उनका प्रदर्शन तो उम्दा रहा, लेकिन टीम के अन्य बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं जड़ पाए। निकोलस पूरन सिंह ने 33 रनों की तूफानी पारी खेली थी और फिर केएल राहुल ने 52 गेंदों में 63 रन जड़ दिए थे। अंतिम पलों में पंजाब की टीम को अपनी पारी में कुछ खास ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला, जिसके चलते उनकी टीम का स्कोर 178 तक जा सका। वरना दोस्तों पंजाब की टीम की शुरुआत तो इतनी ज्यादा बेहतर थी कि इस मुकाबले में पंजाब की टीम का स्कोर 200 के पार तो जाता ही। खैर दोस्तों चेन्नई की टीम को लक्ष्य मिला 179 रनों का। अब चेन्नई जैसी टीम जो कि अपने लगातार पिछले 3 मुकाबले हार चुकी है, उसके लिए है लक्ष्य काफी ज्यादा बड़ा होगा, ऐसा सब अनुमान लगा रहे थे। लेकिन दोस्तों आज मैदान में पासा ही पलट गया और पूरा गेम हो गया चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का। चेन्नई की टीम की तरफ से उतरी सलामी जोड़ी ने आज मैदान में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई। 253 गेंद का सामना करके जहां शेन वॉटसन 83 रन जड़ चुके थे, तो वहीं 53 गेंदों का ही सामना करके डुप्लेसिस 87 रन बना चुके थे। और इन दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी के बलबूते पर चेन्नई की टीम 10 विकेट के बड़े अंतर से जीत गई। दोस्तों हर जगह तारीफों के पुल बांधे जा रहे शेन वॉटसन व डुप्लेसिस की बल्लेबाजी व उनकी पार्टनरशिप की। और दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई की टीम की 10 विकेट से जीत के बाद टीम के कप्तान धोनी भी काफी ज्यादा खुश हैं। उस मैच प्रेजेंटेशन में देखा जा सकता था कि धोनी के चेहरे पर एक अलग ही एनर्जी थी। वो खुशी जो धोनी के चेहरे से गायब हो चुकी थी, क्योंकि चेन्नई की टीम लगातार 3 बार हार चुकी थी, लेकिन धोनी के चेहरे पर अब वही स्माइल थी क्योंकि टीम ने 10 विकेट के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। साथ ही दोस्तों चेन्नई की टीम का इतना मजबूत कमबैक दर्शाता है कि चेन्नई की टीम हर मुकाबले को जीतने का दम रखती है। अपनी टीम की इतनी शानदार जीत के बाद धोनी ने भी खिलाड़ियों की तारीफों के पुल बांध दिए। आपको बता दें कि अपने बयान में बातचीत करते हुए धोनी ने कहा कि यकीनन आईपीएल के समय पर कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है कि आप किसी भी टीम को छोटा नहीं समझ सकते। किसी भी टीम को 10 विकेट के बड़े अंतर से हराना, इसका मतलब कि आपकी टीम के खिलाड़ियों ने अपना होमवर्क पूरा किया है। पिछले 3 मुकाबले हमारी टीम के लिए काफी ज्यादा बुरे रहे, लेकिन उन सभी गलतियों से सीखकर इस मुकाबले के लिए प्रिपरेशन करते हुए हमारी टीम के खिलाड़ियों ने अपनी छोटी से छोटी गलती को सुधार लिया।
किया था। हमने बस इन्हीं पैरामीटर्स को सही किया और रिजल्ट आप सभी के सामने है। हालांकि मेरे नजरिए में हमारी टीम के गेंदबाजी के डिपार्टमेंट को अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत है। साथ ही मैं तारीफ करना चाहता हूँ हमारी टीम की सलामी जोड़ी के बल्लेबाज शेन वॉटसन व फाफ डु प्लेसिस की। दोनों खिलाड़ी काफी ज्यादा अनुभव है और यही अनुभव हमें मैदान पर देखने को मिला। मुझे उम्मीद है कि टीम के सभी युवा खिलाड़ी इन दोनों खिलाड़ियों को अपनी प्रेरणा मानकर इनसे काफी कुछ सीखेंगे। यकीनन सी बात है कि अगर आपको टीम को हराना है वह भी 10 विकेट के अंतर से, तो आपको एक्सपीरियंस तो चाहिए होगा जो कि हमारी टीम की सलामी जोड़ी में भरपूर रूप से है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले मुकाबले में इससे भी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करें और मुकाबले को जीत कर ही लौटे। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के कप्तान धोनी काफी ज्यादा खुश दिखे, इसका एक ही कारण है टीम की जीत। दोस्तों, जो टीम लगातार 3 मुकाबले हार रही हो और फिर अचानक से वह किसी मुकाबले में 10 विकेट के अंतर से जीत जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कप्तान टीम के